morning, good evening, good night. Best wishes to whole world. The great viewers, हस्बे मामूर, आपको इल्म है कि हम आपको हर्ट नहीं करते, कोई खौफनाकियां नहीं सुनाते, एंजॉय करते हैं, चिट चैट करते हैं और फिर हम ऐसे ऐसे आपको दोस्तों से मिलाते हैं, ऐसे ऐसे ममालिक में लेके जाते हैं जो एक आपको डिप्रेशन से निकालते हैं दोस्त हमारे, फिर अपडेट भी करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज भी देते हैं, चैट भी करते हैं, आपकी खैरियत पूछते हैं, परदेश के हालात बताते हैं। यहाँ तो कमाल बात है, यहाँ कहीं अगर आप प्रोग्राम अक्सर प्रोग्राम आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ और ये हमने क्रॉल कर करके कोई 22 साल का ये सफर तय किया, तो क्या सीखा कि आज के जो बच्चे हमारे दौर के चालाक हो गए, वो गेस्ट को बुलाते हैं ऐसे लगता है जैसे वो किसी थाने में बुला लिया गया है, उसका रिमांड लिया जाता है, नौजवान बच्ची उसके साथ मिसबिहेव कर रही है और बड़े बड़े तुरमखान जो हैं वो भी मिसबिहेव करते हैं। गेस्ट को क्या ऊंचा बोलना, चीखना, ये सहाफत नहीं है। मुझे बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं आजकल, वो जरा कभी कभार वो भी अपने मनपसंद का प्रोग्राम करते हैं और उन्होंने भी अपने बुत राशे हुए हैं, लेकिन उनकी बात हम कमाल पल्ले बांधी, हमने रुल खुल के सीखा, बड़ों से सीखा, लर्न किया और इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर आपके घर कोई मेहमान आए तो आप उसको बेइज्जत कर दें, आप उसको बताएं, एहतराम करें, उसको उसे लर्न करें, अगर कोई चीज शेयर करें, आप शेयर करने के लिए बुला रहे हैं या आप उसके लिए शेयर बनने के लिए बुला रहे हैं। आज हम आपको अभी थोड़ी देर के बाद बहुत खूबसूरत डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन लिए चलेंगे, जहां हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब चौधरी आशीष साहब मौजूद हैं। हम उनके बेहद ममनून हैं कि वो काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे थे, हम मसरूफ थे, यहाँ बारिश होने शुरू हो गई, प्रोग्राम अच्छे खुद किया करेंगे। तो आइए, लेट्स गो टू कोपेनहेगन, और खूबसूरत शहर, अच्छे लोग, मोहब्बत वाले लोग और प्यार करने वाले लोग, वहां ये हॉरिबल जो पेंडेमिक है, ये जो एक जसूमा मालिक कायनात ने आजमाइश के लिए छोड़ा है, अभी सूर नहीं फूंका, सूर फूंका जाएगा तो अस्तगफिरुल्लाह, सूरज सवानेजे पे आ जाएगा तो क्या बनेगा। अभी तो कभी हम तो एक डेंगू बर्दाश्त, मच्छर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब एक दूसरा जसूमा है, मालिक कायनात हमें माफ फरमाए। हम आपको अभी लिए चलते हैं, लेट्स एंजॉय वेदर क्लाइमेट एनवायरमेंट ऑफ कोपेनहेगन। एक लम्हे के लिए वेट कीजिए, हमारा वहां चोई साहब इंतजार कर रहे हैं, हम उनके बेहद ममनून हैं। लेट्स कनेक्ट टू कोपेनहेगन। चोई साहब अस्सलाम वालेकुम सर। चोई साहब जरा थोड़ा जा उच्ची बोलो, जिवे जाके गुजरात दे विच ना तुसी पता लगता है कि चोई साहब आए हुए ने कोपेनहेगन, तो उत्थे तो जरा हौली बोलना पैदा ना, जरा मेहरबानी करके खड़के दड़के ना बोलो ताकि पता चले कि चोई आसिफ बशीर साहब ऐसले अपनी पंचायत च बैठे रहे। चोई साहब मौसम कैसा है? चोई साहब 30 तो बड़ा ज्यादा है। अच्छा 21, मैं समझा कि शायद तुसी फरमा रहे थे कि अच्छा, एनीवे चोई साहब ये दसो कि लेटेस्ट की पोजीशन है उथे दे जेड़े लॉकडाउन सी बकवासिया सी उधर की होया, स्कूल खुल गए ने, प्राइमरी स्कूल खुल गए ने सर, छोटे स्कूल? चोई साहब थोड़ा जा माइक क्रीप कर लो, आवाज जरा डिम हो रही है ताकि दुनिया दोनों ऐसे सुन रही है। अच्छा चोई साहब ये दसो कि कोई सख्ती की है या लॉकडाउन नरम होया है, ये जरा मेहरबानी फरमाना। और दूसरा है कि साढ़े प्रोग्राम माशाल्लाह कूपन है कि तुसी मोहब्बत फरमाई, मैं आया तुसी बड़ी मोहब्बत फरमाई, तुहाडी फैमिली ने मोहब्बत फरमाई, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जी पूरी टीम जी उन्होंने बड़ी मोहब्बत फरमाई, बड़ी इज्जत अफजाई की। चोई साहब मिस कर रहे जी, असं तो तुम बड़ा मिस कर रहे हैं, साढ़े प्रोग्रामों देख रहे हैं लोग। हाँ यस 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 यस। अच्छा चोई साहब ये दसो कि उथे एज ए पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी चोई साहब जेडी इत एक शोर सी, मैं चूंकि अफसोसनाक कम जहाज वाला किस्सा था, चूंकि सारा रोन तोन चल रहा है, बड़ा दुख वाला, मैं बाद शेयर करना, पहले दसो कि इतने जेड़ा
वारदात हुई जरा डकैती हो गई जड़े लोग लुटे गए और चीनी गड़बड़ घोटाला आटा गड़बड़ घोटाला क्योंकि इस मुल्क गरीबाना गड़बड़ घोटाले होते ना तुसी की महसूस करते जे रिपोर्ट आ रही रिपोर्ट जा रही रिपोर्ट आनिया जानिया देखो रिपोर्ट एदे बारे तुसी दसो कि ये कुछ होएगा या बस हसते ही रहेंगे सारे वेरी गुड अच्छा चौहान साहब तो रिपोर्ट से एक बड़ी मजेदार एक छोटी जी जल्दी ना शेयर करांगा आवाज आ रही मेरी चौहान साहब चौहान साहब रिपोर्ट के उत्ते बड़ा मजा एक बड़ा जबरदस्त वो साढ़े एक दोस्त मरहूम दुनिया तो चले गए कलेक्टर कस्टम सन ग्रेट व्यूज अनमारू लख साहब कलेक्टर कस्टम से मैं कराची गया तो उन्होंने पूछा भाईजान लाहौर एयरपोर्ट से एसी साहब कौन ने मैंने बड़े मैं नाम अब नहीं ले सकता तो मैंने कहा जी वो है बड़े नेक लोग हैं बड़े कमाल आदमी वो कहने लगे लो सुन लो वो चंगे नेक ने चौहान साहब बड़ी मजेदार गल है कहने लगे मैं उन्होंने कहा कि जी वो तो बड़े नेक आदमी ने लाहौर एयरपोर्ट से एसी पुरानी गल है गुत्ती पेंद साहब कहते उन्होंने जदों वो सेंट्रल एक्साइज आए सन तो कोई 500 मन तंबाकू पकड़ लिया और उन्होंने रिपोर्ट बनाई जरा गौर करना रिपोर्ट बनाई काला कार्बन कागज पुरानी पेंसिल रिपोर्ट बनी होनी है कि जनाब 500 मन जरा गौर करना सर बड़ा कमाल पॉम है रिपोर्टा उत्ते उन्हें कह जी कि वो बुखारी साहब ने की किया रिपोर्ट बनाई कि जनाब 500 मन तंबाकू पकड़ा किसी गांव का ना लिखिया किसी इलाके का ना लिखिया डिस्ट्रिक्ट का ना लिखिया और भक्के सरकार जब्त करने के बाद फलां तारीख को लोहे बारी दुआब में तरफ कर दिया गया बहा दिया गया वो किसी जनाब जैसे शरारती ने दरखास्त देती कि जनाब जरा पता तो कराओ की बने 500 मन तंबाकू खा गए गूगल कर गए और रिपोर्ट जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो इन्वेस्टिगेशन किसी कमाल बड़े फने खां पटवारी या डायरेक्ट हवालदार तरह के जरा एफ आई आर लिखता वो आ गई उन्हें कहा जनाब हमारी तहकीक के मुताबिक जनाबे एसी साहब ने लिखा है कि 500 मन तंबाकू हमने भक्के सरकार जब्त किया और फिर हमने नहर लोहर बारी दुआब में बहा दिया हमारी तहकीक के मुताबिक उन दिनों नहर बाराबंदी में बंद थी तो ये रिपोर्ट भी ऐसी लग गई तो चौहान साहब दुआ करो गल तो तुसी बड़ी जबरदस्त की है ओवरसीज पाकिस्तानी डेनमार्क दे विच की सोचते हैं मसलन मैं जिस दिन पी आई ए दे विच ऑफिस विच मैंने इनवाइट किया सी और अगले दिन फिर तुसी मेरा लंचमेंट किया सी ते उस वेले पी आई ए नूं एक साहब ने कोई सू किया सी और मेरी मौजूदगी दे विच कमाल है इत्थे तरीखा स्टे फलां फलां और उत्थे अदालती अहलकार आके फाइनांस मैनेजर दे कोलों हरजाना सू जिहड़ा उन्होंने सिविल सू किया सी डैमेजेस किए सी उत्थे पैसे नकद दिलवा रहे सन कि चैक दिओ उन्हें साडे सामने कानून की अमल दरामद कानून का जो पासदारी है यह है जी चौहान साहब तुसी की मशवरा दोगे हकूमत वक्त को की मशवरा दोगे कि जनाब लारे चलणगे या कोई एक्शन होएगा क्योंकि गरीब आदमी नूं तां घरों राती सुते पे बुनैन च बुनैन ते पता नहीं थले बेचारे दे पैर जुत्ती होंदी नहीं और मारदे होए थाने च लै जांदे ने और उहदे बाप बुढ़े नूं लै जांदे ने ऐ जिहड़े अशराफिया है ऐ जिहड़े मुअज्जज अशराफिया है जिन्हें मुल्क बर्बाद कर दिता है इन्हां दे कोई तुसीं तवक्को करदे जे कि अपनी जिंदगियां दे एक्शन हो जाएगा छोटे तो बेचारे रगड़े जाते ना जी छोटे छोटे मोटे का तो कोई मसला ही नहीं है चौहान साहब तवक्को कर रहे हैं चौहान साहब है तो बड़ा अफसोसनाक हादसा सारी दुनिया उहदे रो रही है नॉन कलमा को भी रो रहे हैं लिहाजा तुसी ए जिहड़ा जहाज का हादसा होया बेशुमार हादसे दुनिया च होए ने पहले तो चौहान साहब तुसी ये देखो एहदे ते जरा कमेंट करो कि एविएशन दे मिनिस्टर सरवर साहब ने एक कमाल गल कर दी है पता नहीं कल उन्होंने मिनिस्टर रहना है नहीं रहना लेकिन वो इस मुल्क के बाशिंदे तो हैं उन्होंने कहा जी कि कप्तान हाले इंक्वायरी चल रही है इन्वेस्टिगेशन चल रही है उन्होंने कहा जी कि कप्तान के घर के और उन्होंने सारे टब्बर का दिमाग का टेस्ट होना चाहिए यानी साइकाट्रिस्ट को जाना चाहिए मैं तो इन्हें कंडेम किया है कि एक
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਕਾਟ੍ਰਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕੀ ਫਰਕ ਕਹਿਣਗੇ और दूसरा चोई साहब दूसरा बड़ा अफसोसनाक गल की है मैं ये स्टडी की है चोई साहब हादसा दुनिया चो देने हूँ जो 6 महीने पहले हादसा ट्रेन का होया है वह किधर चला गया जिद चुना क्या जी कि तबलीगी जमात वाले के चुले जा रहे सन और की होया कि जुल्म होया शॉर्ट सर्कट होया 150-200 बंदा जल के मर गया कराची की फैक्ट्री 350 बंदा और मल्टीप्लाइड बाई एवरेज 5 कोई कितने खानदान जल के मर गए किधर गई इंक्वायरी शाह फैसल के उत्ते मुशरफ साहब के दौर च इंसान जलाते गए किधर गई इंक्वायरी लिहाजा कोई दुआ करो कि परवरदिगार इतने कोई ऐसा फरिश्ता आए मसीहा आए ताकि इन्हों के सिर कलम होन और इंक्वायरी का रिजल्ट इंज ही निकले जिस तरह हरम के सामने गर्दन उड़ाती जाती जी चोई साहब बिल्कुल सही है चोई साहब जिथे कानून की अमल दरामद जेड़ा कानून की पासदारी और अकाउंटेबिलिटी देन एंड देयर नहीं उथे इंसाफ मजाक बन जाता है लिहाजा चोई साहब लेट्स प्रे के परवरदिगार साढ़े बिलव्ड पाकिस्तान बिलव्ड ये जी बड़ी मुश्किल के नाल बड़ी कुर्बानियों के मुल्क लिया गया उस बाकी सारा कुछ होवे ना होवे सिर्फ इंसाफ का बोलबाला हो जाए चोई साहब बहुत शुक्रिया तुसी इस वे बड़े मसरूफ जे मैं बेहद ममनून हाँ कि तुसी उत्थे DNN दे प्रोग्राम देखते जे दोस्तों नाल दसते जे और तुसी बड़ी मुहब्बत करते जे स्टे ब्लेस ए तुहाडी मुहब्बत है चोई साहब तुहाडी मुहब्बत है तुसी उत्थे सानू एडे मौज मेले कराए जाके खुद होटल चेकिंग कराया फिर टर्किश गिल्ला दे मौज हुई लिहाजा चोई साहब अल्लाह ताला हालात बेहतर करे मैं दोबारा आऊंगा एज अवर शॉर्ट प्रोग्राम सी इंशाल्लाह तुसी एज अवर फुल वड्डा प्रोग्राम अरेंज करोगे और मैं पूरी टीम नाल आऊंगा ताकि उत्थे पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी दे नाल ओ मोहब्बत इजहार होवे और पाकिस्तान दा फ्लैग दुनिया च बुलंद होवे थैंक यू वेरी मच चोई साहब स्टे ब्लेस अपनी फैमिली नूं पाकिस्तानी तमाम फैमिलीज नूं DNN दी तरफों बेस्ट विशेस और परवरदिगार तुहानूं सलामत रखे पाकिस्तान जिंदाबाद The great fears, आपने गुफ्तगू सुनी ये वो लोग हैं जो घर बार छोड़ के चले गए बूढ़े वालदैन को छोड़ के चले गए बच्चे हैं इनके बहने हैं बेटियां हैं किसी की शादी होने वाली है पीछे सब कुछ कुर्बान कर दिया फिर हम इससे चंदे मांगते हैं ये वहां आप भी जाते हैं मैं भी जाता हूँ ये टका टका जोड़ते हैं ये पैसा पैसा जोड़ते हैं ये यूरो यूरो जोड़ते हैं ये खुद भूखे रहते हैं और हुक्मरानों की एक आवाज के ऊपर सब कुछ निशावर कर देते हैं और फिर यहाँ कोई कहता है मैं पैसे इकट्ठे करके डैम से कुली पालांगा तो किधर गई कुलियां कख नहीं छड़िया तुसी मेहरबानी करके पाकिस्तान का ख्याल रखें जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचा वो बिल्कुल नापेद हो गए तबाह हो बर्बाद हो गए और मिसमार हो गए और ये पाकिस्तान बनने के लिए बना है स्टेक रहेगा सस्टेन करेगा इसका फ्लैग दुनिया के रिक्वायरमेंट की इमारत पे बुलंद रहेगा छोटा सा वक्फा हम कभी ये नहीं कहते कि कहीं मत जाइएगा जाइए एंजॉय कीजिए